हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. मैं शशि वशिष्ठ फ्रॉम राष्ट्रीय स्कूल खंडोड़ा मदर ब्रांच से आज शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 2 इंग्लिश का. चैप्टर का नाम है द रनर. आपने सुना होगा रन, इट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है दौड़ना, और उसी से बना है रनर, दौड़ने वाला. तो बात कर लेते हैं पहले मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. इसमें फिलिप्स नाम का एक लड़का है जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिलिप्स दिखाया गया है. दूसरा है यहाँ पर किंग डेरियस, ये किंग डेरियस है. और उसके बाद में है ग्रीक देश, यूनानी देश, और उसके कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. चलो. राजा डेरियस पर्शिया देश का एक अभिलाषी व्यक्ति था. उसने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी. अक्रॉस द सी फ्रॉम द पर्शिया ऑन द वेस्ट ले ग्रीक, और पर्शिया देश के समुद्र के उस पार पश्चिमी दिशा में यूनान देश बसा हुआ था. डेरियस डिड नॉट लाइक द ग्रीक्स फॉर दे गेव हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल. जो डेरियस नाम का राजा था वो उन यूनानी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसके लिए समस्या उत्पन्न करते थे. मैनी ग्रीक्स लिव्ड ऑन द आइलैंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिज किंगडम. बहुत सारे यूनानी लोग एक द्वीप पर पश्चिमी दिशा में उसके साम्राज्य के पास रहते थे. दे हैड रिलेटिव्स इन ग्रीस, और ग्रीस देश में उनके कुछ संबंधी भी थे. बट द आइलैंडर्स वर नॉट हैप्पी विद देयर रूलर्स. दे ऑफन रोज अप एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट देम. परंतु वहां आइलैंडर्स मतलब द्वीपवासी, जो द्वीपवासी वहां पर रहते थे वो अपने शासक से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. वो प्राय अपने शासक के लिए समस्या उत्पन्न करते थे और उसके खिलाफ विद्रोह भी करते थे. डेरियस न्यू दैट द किंग ग्रीक फ्रॉम द मेन लैंड इनक्रेज्ड एंड हेल्प द आयरलैंडर्स इन दिस. राजा डेरियस ये बात अच्छे से जानता था कि जो मेन लैंड पे रहने वाले द्वीपवासी है वो उन लोगों को भड़काने में उनकी सहायता करते थे. देयर केम अ डे वेन द ग्रीक्स ग्रू सो बोल्ड दैट दे मार्च्ड विद देयर आयरलैंड फ्रेंड्स इन टू द पर्शिया सिटी ऑफ सर्दिस एंड लूटेड एंड प्लंडर्ड इट. एक दिन ऐसा आया जब ग्रीक देश के जो लोग थे, जो आइलैंडर्स थे, वो इतने बहादुर हो गए थे कि वो अपने द्वीपवासी मित्रों के साथ उन्होंने पर्शिया देश में, जिसका प्राचीन नाम सर्दिस, प्राचीन नाम तुर्की था, एंड लूटेड एंड प्लंडर्ड इट, उस देश में उन्होंने प्रवेश किया और उसे जबरन लूट लिया. डेरियस वाज फ्यूरियस एंड वॉव टू टीच देम अ लेसन. राजा डेरियस को बहुत क्रोध आया, गुस्सा हुआ, और उसने एक शपथ ली उन लोगों को एक सबक सिखाने की. विद अ माइटी आर्मी एंड फ्लीट ही क्रॉस्ड द सी एंड लैंडेड इन ग्रीक. एक शक्तिशाली सेना के साथ और समुद्री सेना के साथ उसने समुद्र को पार करते हुए ग्रीक देश में प्रवेश किया. आई विल पे देम बैक फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माई सिटी ही सैड. उसने कहा मैं मेरे देश के विनाश के लिए तुमसे बदला लूंगा. बट द ग्रीक्स वर वॉचफुल एंड प्रिपेयर्ड. लेकिन जो यूनानी लोग थे, ग्रीक देश के जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा वॉचफुल थे. वॉचफुल मीन्स सतर्क थे और प्रिपेयर्ड थे, युद्ध के लिए तैयार थे. इन दोज डेज ग्रीक्स वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स. उन दिनों में जो ग्रीक देश था वो अनेकों छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था. वन ऑफ दीज वॉज एथेंस. उनमें से एक एथेंस नाम की स्टेट थी, दूसरी स्पार्टा, और तीसरी कोरिंथ, और फोर्थ नंबर पे थेस्ली. द पीपल ऑफ एथेंस सेंट वर्ड टू मैनी ऑफ द स्टेट्स अबाउट द डेंजर फ्रॉम पर्शिया. एथेंस के लोगों ने
उन स्टेट्स में पर्शिया से होने वाले खतरे के बारे में उनके पास संदेश भेजा एंड देयर आर्मीज केम टुगेदर टू फाइट द इन्वेडर्स। और उन सभी राज्यों की सेनाएं उन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए वहां पर पहुंची। द कम्बाइंड आर्मीज ऑफ द ग्रीक्स वेटेड ऑन द हिल ऑफ मैराथन एंड फ्रॉम देयर दे सॉ द पर्शिया शिप्स कमिंग। और उनकी कंबाइंड आर्मी मतलब एक जगह इकट्ठी हुई सेनाओं ने वेट किया मैराथन हिल पर, इंतजार किया एंड फ्रॉम देयर दे सॉ द पर्शियन, और वहां से उन्होंने पर्शिया देश की जहाजों को आते हुए देखा। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशि वशिष्ठ फ्रॉम राष्ट्रीय स्कूल खंडोड़ा मदर ब्रांच से आज शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 2 इंग्लिश का। चैप्टर का नाम है द रनर। आपने सुना होगा रन, इट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है दौड़ना, और उसी से बना है रनर, दौड़ने वाला। तो बात कर लेते हैं पहले मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें फिडिप्स नाम का एक लड़का है जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिडिप्स दिखाया गया है। दूसरा है यहाँ पर किंग डेरियस, ये किंग डेरियस है। और उसके बाद में है ग्रीक देश, यूनानी देश और उसके कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चलो। राजा डेरियस पर्शिया देश का एक अभिलाषी व्यक्ति था। उसने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अक्रॉस द सी फ्रॉम द पर्शिया ऑन द वेस्ट ले ग्रीक, और पर्शिया देश के समुद्र के उस पार पश्चिमी दिशा में यूनान देश बसा हुआ था। डेरियस डिड नॉट लाइक द ग्रीक्स फॉर दे गेव हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल। जो डेरियस नाम का राजा था वो उन यूनानी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसके लिए समस्या उत्पन्न करते थे। मैनी ग्रीक्स लिव्ड ऑन द आइलैंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिज किंगडम। बहुत सारे यूनानी लोग एक द्वीप पर पश्चिमी दिशा में उसके साम्राज्य के पास रहते थे। दे हैड रिलेटिव्स इन ग्रीस, और ग्रीस देश में उनके कुछ संबंधी भी थे। बट द आइलैंडर्स वर नॉट हैप्पी विद देयर रूलर्स, दे ऑफन रोज अप एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। परंतु वहाँ आइलैंडर्स मतलब द्वीपवासी, जो द्वीपवासी वहाँ पर रहते थे वो अपने शासक से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो प्राय अपने शासक के लिए समस्या उत्पन्न करते थे और उसके खिलाफ विद्रोह भी करते थे। डेरियस न्यू दैट द किंग ग्रीक फ्रॉम द मेनलैंड इनक्रेज्ड एंड हेल्प द आयरलैंडर्स इन दिस। राजा डेरियस ये बात अच्छे से जानता था कि जो मेनलैंड पे रहने वाले द्वीपवासी है वो उन लोगों को भड़काने में उनकी सहायता करते थे। देयर केम अ डे वेन द ग्रीक्स ग्रू सो बोल्ड दैट दे मार्च्ड विद देयर आयरलैंड फ्रेंड्स इन टू द पर्शिया सिटी ऑफ सर्दिस एंड लूटेड एंड प्लंडर्ड इट। एक दिन ऐसा आया जब ग्रीक देश के जो लोग थे, जो आइलैंडर्स थे, वो इतने बहादुर हो गए थे कि वो अपने द्वीपवासी मित्रों के साथ उन्होंने पर्शिया देश में जिसका प्राचीन नाम सर्दिस, प्राचीन नाम तुर्की था, एंड लूटेड एंड प्लंडर्ड इट, उस देश में उन्होंने प्रवेश किया और उसे जबरन लूट लिया। डेरियस वाज फ्यूरियस एंड वॉव टू टीच देम अ लेसन। राजा डेरियस को बहुत क्रोध आया, गुस्सा हुआ, और उसने एक शपथ ली उन लोगों को एक सबक सिखाने की। विद अ माइटी आर्मी एंड फ्लीट ही क्रॉस द सी एंड लैंडेड इन ग्रीक। एक शक्तिशाली सेना के साथ और समुद्री सेना के साथ उसने समुद्र को पार करते हुए ग्रीक देश में प्रवेश किया। आई विल पे देम बैक फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माय सिटी ही सेड। उसने कहा मैं मेरे देश के विनाश के लिए तुमसे बदला
लूंगा। बट द ग्रीक्स वर वॉचफुल एंड प्रिपेयर्ड, लेकिन जो यूनानी लोग थे, ग्रीक देश के जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा वॉचफुल थे। वॉचफुल मीन्स सतर्क थे और प्रिपेयर्ड थे, युद्ध के लिए तैयार थे। इन दोज डेज ग्रीक्स वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन दिनों में जो ग्रीक देश था वो अनेकों छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। वन ऑफ दीज वॉज एथेंस, उनमें से एक एथेंस नाम की स्टेट थी, दूसरी स्पार्टा और तीसरी कोरिंथ और फोर्थ नंबर पे थेसली। द पीपल ऑफ एथेंस सेंट वर्ड टू मैनी ऑफ द स्टेट्स अबाउट द डेंजर फ्रॉम पर्शिया। एथेंस के लोगों ने उन स्टेट्स में पर्शिया से होने वाले खतरे के बारे में उनके पास संदेश भेजा, एंड देयर आर्मीज केम टुगेदर टू फाइट द इन्वेडर्स, और उन सभी राज्यों की सेनाएं उन आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए वहां पर पहुंची। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द ग्रीक्स वेटेड ऑन द हिल ऑफ मैराथन, एंड फ्रॉम देयर दे सॉ द पर्शिया शिप्स कमिंग, और उनकी कंबाइंड आर्मी मतलब एक जगह इकट्ठी हुई सेनाओं ने वेट किया मैराथन हिल पर, इंतजार किया, एंड फ्रॉम देयर दे सॉ द पर्शियन, और वहां से उन्होंने पर्शिया देश की जहाजों को आते हुए देखा।